हाँ ये इसका घास होता है ये, अच्छा, जो बाहर है ना, हाँ ये छोड़ के ये उठा लेते हैं। अच्छा, और बाद में घर में इसको पहले, हाँ ये अलग, अच्छा ये अलग होगा, ये तीन अलग, अच्छा ये तीन ज्यादा काम के नहीं है, केसर ये केसर इसे रियल केसर, रियल केसर है ये, येलो होता है ना, हाँ ये भी बनता है फिर लाल, अच्छा ये निकलते है ये फूली, अच्छा क्या निकलते है फूली, अरे ये मैं आहिस्ता से सोनर का काम जैसा होता है ना, सोनर जैसा करता है वैसा ही काम होता है फिर इनका। और मैंने सुना है ये मैनुअली करना पड़ता है इसलिए इतना महंगा है, महंगा है ना। अपना दर एको निये जाबो की भावे वो ब्यागे कोडे केशर तुल छे शेटा देखा दे निये जाबो। एको नाची শ্রীনগর পহলগাম হাইওয়েতে পাশের খেতে আমরা যাচ্ছি, আপনি যেটা ভাবছেন সেটা করতে নয়, পাশের খেতে যাচ্ছি আপনাদের অন্য জিনিস দেখাতে, চলুন দেখাচ্ছি। जो इसमें ना ये निकलता है ना, ये केसर लाल वाला, अच्छा দেখুন বাগান জুড়ে এক একটা ছোট ছোট ফুল হয়েছে। এই इसका पत्ते नहीं होते, पत्ते पत्ते ये भी छोटे पत्ते, देखो ये देखो, हाँ ये है ना ये वाला, हाँ लाल वाला, हाँ ये है केसर, अच्छा ये येलो होता है ना, हाँ ये भी बनता है फिर लाल, अच्छा ये निकलते है ये फूली, अच्छा क्या निकलते है फूली, अरे ये मैं आहिस्ता से सोनर का काम जैसा होता है ना, सोनर जैसा करता है वैसा ही काम होता है फिर इनका। और मैंने सुना है ये मैनुअली करना पड़ता है इसलिए इतना महंगा है, महंगा है ना, बहुत महंगा है, पर ग्राम 250 रुपया ऐसा कुछ होता है। वो लोकल है, ग्राम 250 रुपया अभी लोकल है। अभी मैं दिखाऊंगा ना आपको, अगर मन करेगा, हाँ उठाने का, हाँ उठाओ, नहीं मन करेगा जबरदस्ती मैं ले जाऊंगा उधर, हाँ आप देखोगे वहाँ कैसे निकालते हैं, कैसे देखो उतना भी बैग लेकर देखो, वो है बैग लेकर, अच्छा बैग में उठाता है। अपना दर एको निये जाबो की भावे वो ब्यागे कोडे केशर तुल छे शेटा देखा दे निये जाबो। आमरा एको एई खेते कोई खेते जाच्छी, अनेकटा आमादेर आलुर खेतेर मतन, किन्तु फुलगुली देखते पार्पल कलर है। समस्त केसर फूल फुटे आछे। भाई साहब हिंदी आती है? हिंदी आती है? आप केसर कोलकाता से? उस बंगाल से। केसर कैसे उठा रहे, थोड़ा देर दिखाइए तो कैसे? अब तुलते रहिए, मैं भी वीडियो करता रहूंगा। आप नीज दे, नीज दे, यहाँ पे नहीं जाना, नहीं नहीं आप था इसमें, अभी मैंने उठाया, अभी थोड़ा सा था फोटो के लिए, अच्छा अब तो है नहीं, यहीं पर नहीं हो अभी तो, नहीं नहीं अब निकल जाएंगे, थोड़ा दिखाए बैग में कैसे उठा, ये 4-5 दिन के बाद आया था। अच्छा ऐसे पूरा फूल फूल के साथ उठा लेते हैं? हाँ फूल ही उठा लेते हैं, देखिए ये रहा, हाँ ये इसका घास होता है ये, अच्छा बाहर है ना, हाँ ये छोड़ के ये उठा लेते हैं, अच्छा और बाद में घर में इसको पहले, हाँ ये अलग, अच्छा ये अलग होगा, ये तीन अलग, अच्छा ये तीन ज्यादा काम के नहीं है, केसर ये केसर इसे रियल केसर, रियल केसर है। दिखाइए एक बार, अभी ये मतलब गीला है, अच्छा जब ये सूख जाता है ना थोड़ा कलर थोड़ा सा इसे डीम हो जाता है, लेकिन ये जो सफेद है ना, हाँ ये इसके साथ रहता है। अच्छा मुझे मालूम है, हम बाहर भी जाते हैं राजस्थान, तो वहाँ आपको ज्यादा केसर मिलता है, वो बस ऐसा होता है। हाँ 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 मिलता होगा आपको वो डब्बू में, छोटे छोटे डब्बू, थोड़ा थोड़ा ऑरेंज भी दिखता है, जो मिलता है ऑरेंज दिखता है हम लोग को, ऑरेंज वो ऑरेंज वाला ये है, अच्छा ऑरेंज ये अजी। आपका हाथ काला कैसे हो गया? वो फूल थोड़ा इसमें ये जो नीला होता ना, हाँ रंग निकल जाता है इस, अच्छा अच्छा रंग से हो जाता है, अच्छा रंग से हो जाता है, लेकिन जो इससे रंग निकलता है ना सूखने के बाद, हाँ हाँ अगर समझो ये तीन है ना ये खाली, हाँ ऐसे पानी में डालेंगे, हाँ थोड़ा सा छोटा सा 1 कप पानी का ले लें, हाँ और डालेंगे उसी में, हाँ तो तकरीबन 20 मिनट आहिस्ता 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 वो पानी बिल्कुल पीला हो जाएगा, और ये तीले रहेगी ऐसी, ये गुलती वुलती नहीं है, बिल्कुल 10 दिन रखो ऐसी ही रहेगी, लेकिन रंग इसका सारा बाहर आ जाएगा और वो पीला हो जाता हो रंग। जैसे आप लोग बाहर घर में केसर इस्तेमाल करते हैं दूध, हाँ, वगैरह के साथ, दूध वगैरह सब तो बिरयानी में भी डालते हैं इसको, हाँ दूध में भी ऐसे ही केसर इस्तेमाल करना, कि कम से कम रखना है दूध में डालने के बाद 10-20 मिनट, क्योंकि इसका ये पूरा पीला रंग बाहर आ जाता है, फिर वो टेस्ट के लिए अच्छा रहता है, हाजमा के लिए भी अच्छा रहता है। अच्छा
आपका ये नहीं है, ये वाला केसर ये नहीं है, बस इसमें यही होते हैं। देखिए आप पूरा फूल दिखाओ मैं आपको, आपको आप घर जा रहे हैं। हाँ घर जा रहे। ये एक दो तीन चार पाँच छः पत्ते, तीन तीली केसर और तीन तीली वो येलो, येलो केसर नहीं है, बाहर वाले छः अंदर वाले होते थे। येलो वाला जो है वो कोई नीचे जो इसका बीज होता है ना वो भी जैसा कि एक जैसे वो टूलिप होता है ना बर्ड, अभी निकल नहीं जाएगा इसमें की घास है। दिखा था मैं एक अभी एक आपको एक इसमें नहीं आएगा। हाँ अच्छा वो नहीं आएगा। क्या होना ना अच्छा क्या हम तुम चल वापस दिखा रहा है। ये देखिए इसका बीज होता है ना, ये बीज होता इसको बीज। अच्छा ये जो मोटा वाला है हाँ। इसमें केसर आएगा फूल इस साल। अच्छा इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, अगला साल आएगा। इसमें अगला साल आएगा लेकिन इससे निकलेगा इसका छोटा सा बीज, ये देखो जैसे बच्चा साइड में बच्चा छोटा सा बीज। तो फिर ये ऐसे ऐसे बढ़ता है, मतलब ग्रेडिंग होती है इससे ग्रोथ। अच्छा ऐसे होती है। अच्छा ये जब ऐसे मोटा हो जाता है फिर इसमें इसमें दो फूल आएंगे अभी। अच्छा। एक पता नहीं, एक तो मैंने शायद उठाया, एक करीब करीब यहाँ होगा अभी। अच्छा होगा शायद एक फूल लगता है मुझे। अच्छा। होगा या नहीं होगा, होगा है। अच्छा है ना, अच्छा। है ये है ना, ये एक फूल ये अच्छा। है अभी एक नीचे। अच्छा। ये आएगा इसको लगेंगे अभी दो तीन दिन बाहर, ये भी आएगा ऐसे ही। अच्छा ऐसे जब ये अब ये जमीन में रहेगा ऐसे जड़ के साथ। अच्छा अच्छा केसर का सीजन कौन सा होता है? मैंने यही सीजन है ये शुरू हो, अभी आज 21 अक्टूबर है हाँ। समझो बस अगले महीने 21 नहीं 22 22 है हाँ। बस आज 21 से ऐसे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होता है हाँ। 22 द एंड नवंबर। अच्छा खत्म। अच्छा ये महीना 20 दिन लगता है इसको निकलने में, 5-10 दिन होते हैं पूरे घने फूल। अच्छा ये कब लगाया जाता है, कब कौन से महीने में लगाया जाता है? ये लगाया जाता है अक्टूबर में, अक्टूबर सेप्टेम्बर में। भद्रलोक আর তার হাতে থাকা ডান্ডাটা ভালো করে খেয়াল করুন, ওটা আমাদের জন্যই আনা হয়েছিল। আচ্ছা इसमें से निकाल के खाली खेत में डालना है, उसमें ये नहीं होना चाहिए। अच्छा सिर्फ उसको मतलब ट्रैक्टर वैक्टर चलाना है, अच्छी जमीन बनानी है। अच्छा तो सितंबर के महीने में ये निकालते हैं और लगाते हैं दूसरी खेत में। अच्छा फिर ये चलता है 5-10 साल, उसमें 5-10 साल चलता। और ये साल में सिर्फ 2 महीने के लिए फसल देता है, फसल एक ही बार बस। आज इसका सीजन है, अभी थोड़ा थोड़ा है, अभी आ जाएगा इसके ऊपर पूरा, ये उतना बीज होगा नीचे उतना पूरा आएगा, बस 20 दिन लगेगा, ज्यादा से ज्यादा एक महीने के बाद है। अच्छा अच्छा पहले 5-10 दिन, अभी 22 है आज, 1 नवंबर तक या 5 नवंबर तक आप इसमें घने फूल आएंगे। अच्छा अच्छा तो उसके बाद काम कम होगा, फिर जो बीच नीचे वापस काम कम, उसका एक एक फूल होगा वो आएगा ऊपर ऊपर, बस दे एंड हो जाएगा 20 नवंबर तक करीब करीब हो जाता है। अच्छा भाई साहब का नाम क्या है? जावेद। थैंक यू। आपका? अब्दुल रशीद। ओके থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আপনি বহুত ইনফরমেশন দিয়ে। তখন এমনিতেই অন্ধকার নেমে এসেছে, তারপর আমরা ক্ষেতের মধ্য দিয়ে হাতে ওই কালো রঙের অ্যাকশন ক্যামেরা নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছি, আর ভদ্রলোকের সঙ্গে আছে দুটো ছোট ছোট বাচ্চা। উনি তো আমাদের ওইভাবে দৌড়তে দেখে নিজেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, আর ওই ভদ্রলোক দূর থেকে কি হচ্ছে না হচ্ছে বুঝতে না পেরে ডান্ডাটি নিয়ে এসেছিলেন আমাদের উত্তম মধ্যম দেওয়ার জন্যে। আমরা তখন এটা বুঝতে পারিনি, যখন গাড়িতে গিয়ে বসলাম তখন আমার গিন্নি আর ড্রাইভার সাহেব এই কথা আমাদের বলেছিলেন।